यूपीएसआई 2021 की परीक्षा के लिए संस्थान के द्वारा आयोजित इस एकलव्य बैच में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एकलव्य एक ऐसा नाम है जो कि हमें जुनून देता है, जो हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए एक जिज्ञासा, एक इच्छा शक्ति प्रदान करता है। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के संस्थान ने इस एकलव्य बैच का आयोजन किया। इस एकलव्य बैच को प्रारंभ भी किया गया है, संस्थान में इसकी क्लासेस भी प्रारंभ हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग इसमें अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम सब, वैसे लगातार जब से इस बैच का आयोजन किया गया है, लगातार इस बैच के माध्यम से हम लोग यहां पर कुछ ना कुछ पब्लिकली अपने अपने सभी टीचर जितने भी हैं सभी अपने अपने विषयों को आपके समझ डिलीवर कर रहे हैं। मैं मैथमेटिक्स की भी क्लास आपके सामने मैंने कुछ ओपन करी है। शुरुआत में आपने कुछ डेमो क्लासेस देखी, जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट था, वहां से मैंने दो एक क्लास उधर स्टार्ट की। बाद में मैंने आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड किया जिसमें हमने आपसे कहा कि हम कुछ टॉपिक जिसमें कि इकाई का अंक हो गया, ट्रेलिंग विद जीरो शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो गया, सेसफल ज्ञात करना हो गया, इन सभी से लगातार मैं कुछ क्लासेस आपकी पब्लिक लेने के लिए तटस्थ हूं। कल की क्लास आपकी टेक्निकली, क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम बना कि आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो आज मैं उसी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूं जो कि पिछली क्लास से पूरी तरह से रिलेटेड है। मैंने, अगर याद होगा आप लोगों को, तो हम संख्या पद्धति का इकाई का अंक आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे थे। इकाई के अंक की पहली कड़ी आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आज के इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस इकाई के अंक के पहले लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिससे वहां से आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और आज इन सब जो भी स्तरीय प्रश्न हो सकते हैं किसी भी परीक्षा को लेकर के, उन सभी को आप प्रॉपर वे में और कवर कर पाएंगे। बात करते हैं पिछले लेक्चर की। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो हम यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक ज्ञात करने पर आधारित टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट कर रहे थे। मैंने लाइव कक्षा के माध्यम से आपको सभी, हर प्रकार के जो भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जहां जहां से इकाई के अंक पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने आपको बताया कि अगर हमें, हमारे पास कोई एक सामान्य संख्या दी गई है तो उसके इकाई के अंक को देकर के हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जो उसका पहला प्लेस होता है यूनिट प्लेस से, जहां से हम संख्याओं की काउंटिंग करते हैं, उनके प्लेसेस को डिसाइड करते हैं, वहां से जो पहला टर्म होता है वही आपका इकाई का अंक कहलाता है। लेकिन अगर वही सारी संख्याएं किसी एक ऑपरेशन के अंडर में आए, जैसे जोड़ घटाव में आए, गुणे भाग में आए, घात और आधार के टर्म में आए, या फैक्टोरियल के टर्म में आए, या किसी सीरीज के टर्म में आए, कहीं पर भी कोई एक अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उस दौरान हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, इसकी कुछ हम झलक आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं। मैंने आपको शुरू में ही पहले लेक्चर में बता दिया था कि कैसे हम लोग किसी एक ऐसी संख्या समूह जिसके ऊपर हम जोड़ घटाव परफॉर्म कर रहे हैं, उनका इकाई का अंक हम कैसे प्राप्त करेंगे। अगर मान लीजिए हम गुणे और भाग कर रहे हैं संख्याओं को परस्पर, तो हम उनका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम आधार और घात के आधार पर, बेस पर अगर हम कुछ क्वेश्चन यहां पर बनाएं, जो कि कैलकुलेशन का पार्ट होता है, उसके ऊपर हम इकाई के अंकों को, उसके अंतर्गत इकाई के अंकों को कैसे हम प्राप्त करते हैं। कुछ एक बातें रह गई थी, जैसे सिक्वेंस, अलग अलग प्रकार की सीरीज या सीक्वेंस होती है जो कि एक पैटर्न को प्रेजेंट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि श्रेणियां बनती हैं, समांतर श्रेणियां बनती हैं, गुणोत्तर श्रेणियां बनती हैं, या जहां पर भी पैटर्न आपको दिखता है जो कि एक प्रकार के ऑपरेशन के अंडर अगर रखा जाए, जहां पे पदों को जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, अगर उनके प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो कैसे हम उनके इकाई के अंकों को प्राप्त करेंगे। और एक विशेष ऑपरेटर होता है जिसको फैक्टोरियल या हिंदी में हम क्रम गुणित कहते हैं। इस क्रम गुणित के अंतर्गत के जो प्रश्न आते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं से रिलेट करेंगे, उनके इकाई के अंकों को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ प्रश्नों का चयन किया है। उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से मैं टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको वो स्तरीय प्रश्न जो आपको यहां पर आज की डेट में, आज की क्लास में पढ़ाए जाएंगे, उनका भी कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे और प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए सीधा सीधा प्रश्नों पर ही आते हैं और प्रश्नों के माध्यम से अपने इस टॉपिक को आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। अगर अंग्रेजी में हम बात कर रहे हैं, इट इज आस्किंग अबाउट द फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर अर्थात प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं के योग, मतलब इनके सम का इकाई का अंक क्या होगा। इसके पहले हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, वैसे आप सभी लोग नंबर सिस्टम में इस बात को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होती क्या है। आपने पढ़ा था कि यह पॉजिटिव होती है, इनकी शुरुआत एक से होती है, फिर दो मिलता है, फिर तीन मिलता है, फिर चार मिलता है, फिर इस तरह से यह सीक्वेंस बनता चला जाता है और यह यन तक जाते हैं, मतलब आप जितना सोच सकते हैं वह इतना तक टर्म में प्रोसीड करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, जनरली हम इसको कैपिटल यन से डिनोट करते हैं। इनके सम की बात की जा रही है, मतलब यहां पर हमने कहा कुछ पदों को लीजिए, उनको जोड़ करिए, जोड़ करके इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो आपको सबसे पहले मैं प्रथम
80 या उसके पहले आप एक नोट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि प्रथम सम ऑफ, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में भी डिक्टेट कर दूंगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर मान लीजिए मैंने इसको एसएन से डिनोट किया, सो इट विल बी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। एक रूल होता है जिसके माध्यम से प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ पाते हैं। जैसे आपसे मैं कह दूं शुरू के पांच प्राकृतिक संख्याओं को जोड़िए, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 सभी को जब जोड़ेंगे तो देखिए 1 + 2 = 3 हुआ, 3, 3 = 6 हुआ, 6, 4 = 10 हुआ, 10, 5 = 15 हुआ। जब लिमिटेड टर्म्स थे तो जोड़ करके आपने तुरंत निर्धारित कर दिया, बट यही पदों की संख्या अगर 100 हुई, 1000 हुई, लाख हुई, तो जोड़ने में इस तरह से काउंटिंग करके हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा। अगर आपको इसने दिया है कि 80 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ करिए, तो हमने 80 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के दिशा में कदम बढ़ाया। एन को हमने 80 माना, 80 गुणे 81 किया, 81 क्यों कर रहे हैं, लिखा है रूल में एन इंटू एन प्लस वन, अर्थात 80 × 80 + 1 डिवाइड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह 40 हो जाएगा, तो मतलब फाइनली मेरे सामने 40 × 81 है, और मुझे अगर इसके इकाई का अंक पता करना है तो 0 × 1 आपके सामने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, अगर मुझे इसका योग करना था, योग के अंत में आपको 0 प्राप्त होगा, अर्थात प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं के योग के इकाई का मान 0 होगा। याद रखिए इस बात को। यही चीज अगर हम लोग कुछ और भी नंबर्स ले लेते तो वहां पर भी आपको चीजें स्पष्ट होता हो पाती। जैसे देख लीजिए आप सभी लोग, मैंने कहा कि प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब आप लोग खुद ही इसको निर्धारित करके हमें बता सकते हैं कि प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या बन जाएगा। तो आपने नियम पढ़ा दी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है। एन की जगह पर अब आपके पास 115 है, 116 करिए, 115 × 116 करिए, डिवाइड बाई टू कर दीजिए। आप 2 से इसको भाग देंगे तो आप देख पा रहे हैं 115 एज इट इज रहेगा, गुणे 2 × 5 = 10 हुआ, 2 × 8 = 16 हुआ, 5 × 8 = 40, अंत में 0 ही आया। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर इकाई का मान इसके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही गुणे के टर्म्स में चीजें आती हैं तो हम वैसे भी जोड़ घटाव वाला प्रोसेस, गुणे वाला प्रोसेस ये सब कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो इसलिए हमको इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि हम इकाई के ही प्लेसेस को यहां पर कंसीडर करते हैं, उसी के ऊपर इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यह बात आपको स्पष्ट हुई होगी। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए किस तरह से आपको इसी प्रश्न का एक बदला फॉर्मेट आपको नजर आएगा। इसने कहा प्रथम 80 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। अगर हमारे सामने अभी प्राकृतिक थी, अब हम प्राकृतिक के स्थान पर पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास प्रथम 80 पूर्ण संख्याएं दी जाएं, तो उनके इकाई का मान क्या होगा। तो पूर्ण संख्याओं की बात करिए, जिसको आप लोग यहां पर होल नंबर कहते हैं, होल नंबर दैट इज कॉल्ड पूर्ण संख्या हिंदी में, और डिनोटेड बाई डब्ल्यू, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम प्रॉपरली पढ़ा है तो आप कह सकते हैं कि इनकी शुरुआत 1 से होगी, फिर 0 से होगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर सोवान आएगा। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि प्रथम, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, पूरी बात को ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं, तो आप कह सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ। मैंने आपसे कहा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो आप लिख सकते हैं 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये देखिए, अब आपको ये भी अच्छे से पता है 0 किसी के साथ जुड़कर उसके ऊपर कोई प्रभाव तो डालता नहीं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को जोड़िए, इसके स्थान पर आप प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दीजिए। मेरी बात को समझिए, अगर मैंने आपसे कहा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को जोड़िए, तो आप 0 को ना ऐड करके प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ करके उत्तर बता सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि प्रथम 80 पूर्ण संख्याओं के योग का औसत, हालांकि इसका भी पूर्ण का भी नियम होता है, आप प्रथम एन पूर्ण संख्याओं के योग का एक रूल ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, प्रथम एन पूर्ण संख्याओं के
के योग का रूल देखिए अगर आप बनाना ही चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक का नियम आपने देखा था कि प्राकृतिक के लिए नियम था n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू था। अब आपने देखा कि जो यहां पर n होता है वो यहां पर n माइनस वन हो जाता है। जैसे यहां पर पांच प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे थे तो पांच प्राकृतिक की जगह पर चार पूर्ण संख्याएं यहां पर हम कंसिडर करेंगे, अर्थात n की जगह पर यहां पर n माइनस वन होगा। तो आप लिख सकते हैं n माइनस वन और n प्लस वन, अब यहां पर ऑलरेडी था हमारे पास प्लस, तो हम लिख सकते हैं n n माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल होगा डिवाइड बाई टू, तो नियम बन गया n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू हो जाता है। अगर हम प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग की बात करते हैं तो डायरेक्ट n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप इस नियम को भी याद करें उस नियम को भी याद करें। जैसे अगर आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का नियम आपके पास तैयार है, मतलब n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू है, तो आप वहीं पर इसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसी रूल को अप्लाई करके इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। आपसे मैंने कहा प्रथम पांच पूर्ण संख्याएं, तो आप मान लीजिएगा चार प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, तो चार प्राकृतिक संख्याओं के योग को अगर आप निकालें, देखिए क्या होगा बताएं, चार गुणे पांच बटा दो, तो चार पंचे बीस करेंगे तो दस आएगा। अगर हम पांच पूर्ण संख्या के इस नियम को फॉलो करते देखिए क्या हो जाता, पांच गुणे पांच माइनस एक चार बटा दो, तब भी आप देख रहे हैं कि दस ही आंसर आ रहा है। इसलिए यहां पर दो नियम को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही नियम से काम कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रथम चार पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का योग कर दें या प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग कर दें, तो प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक का नियम लग जाएगा जो कि पांच पूर्ण संख्याओं के योग को दर्शाएगा, बस एक कम करके आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पूर्ण संख्याओं के लिए आपको नियम में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू करना होगा, जो कि वहां पर n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू हुआ करता था। अब अगर इस प्रश्न के हल की बात की जाए तो यह हल देखिए आपके पास 80 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, तो शुरुआत देखिए जीरो से होगा, फिर एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, और ऐसे बढ़ते चले गए, हम अंतिम पर कहां पहुंच गए, 80 पर। अगर यह केवल प्राकृतिक होती तो आपको पता है एक से लेकर 80 तक कुल हमारे पास 80 संख्याएं होती, लेकिन अगर हम बात पूर्ण की कर रहे हैं तो हम अब की बार, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 80 संख्याओं की बात की जा रही है, तो हम 79 पे ही तो रुक जाएंगे, हम 79 पे ही रुक जाएंगे। अर्थात जैसे पिछले में आपने देखा था कि पांच पूर्ण जब मैंने बोला तो हम चार ही पे रुक गए, ऐसे अगर हम 80 पूर्ण की बात करेंगे तो हम 79 पे रुक जाएंगे, अर्थात एक से लेकर 79 तक के योग की बात की जा रही है, एक से लेके 79 तक के योग की बात की जा रही है। तो नियम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक से लेके 79 तक, या हम कह सकते हैं हम समाप्त 79 नंबर्स के योग की बात करें और उसके इकाई के अंक की बात करें, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सीधा सीधा 79 इंटू 80 एन इंटू एन प्लस वन, अगर हम प्राकृतिक के नियम से चल रहे हैं, डिवाइड बाई टू, ये 40 हो गया, और एंड में देखिए जीरो है, जीरो गुणे 9 कर दीजिए, अंत में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अंत में आपके सामने जीरो है। अगर हम यही चीज पूर्ण संख्याओं का नियम लगा देते तो 80 गुणे 79, क्योंकि वहां पर होता n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई आपके सामने कितना हो जाता है 2, तो आप इसको डिवाइड करते 40 हो जाता, शून्य को 9 से गुणा कर देते तो अंत में कितना आता, शून्य ही आता, आप आंसर बता सकते थे। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि क्या प्रक्रिया हो रही है, किस प्रकार से हल कर पाएंगे। एक प्रश्न इस पर और करिएगा फिर आगे बढ़ा जाए, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं के योग की बात ना करिए, योग के इकाई के अंक की बात करिए, योग के इकाई के अंक की बात करते हैं। चलिए सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर इसका हल बता सकते हैं कितना होगा, हल कर दिया जाए तो कितने की बात किया जा रहा है, 113 पूर्ण संख्या, चाहे तो आप 113 के पूर्ण पर नियम लगाएंगे तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू के हिसाब से 113 गुणे 112 बटा दो, या तो अगर आप लोग प्राकृतिक के हिसाब से चल रहे हैं तो आप 112 से शुरू करिए, 112 गुणे 113 बटा दो कर दीजिएगा, क्योंकि n इंटू n प्लस वन होगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक की, तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक हमारी 112 तक होगी वही 113 तक के पूर्ण की बात होगी, तो हमने यहां पर 112, अब इसको इससे सॉल्व कर दिया, देखिए आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं 2 है, 2 से इसको डिवाइड किया 56 होगा, 6 गुणे 3 कर दीजिए, ये आपके सामने 8 आ जाएगा, इकाई का मान यहां पर 8 हो जाएगा। या हम यहीं से करते 113 n इंटू n माइनस वन 112 डिवाइड बाई 2 करते 56 हो जाता, 6 गुणे 3 18, मतलब अंत में क्या होता, 8 हो जाता, इकाई का मान 8 हो गया।
तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको इस तरह से तैयार रहिएगा कि ऐसे प्रश्नों का हल हम लोग आराम से कर सके कोई कंफ्यूजन के बगैर। आगे मैं चलता हूं और आगे की बात हम लोग यहां पर और प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न थोड़ा सा शब्दों के कंफ्यूजन के हिसाब से बनाया जाता है। कहा जाता है कि 83 को 85 से 87 से 89 से 93 से 97 से गुणा किया गया और इस पूरे मान को 10 से भाग दिया गया तो शेषफल क्या आएगा। बहुत इजीली देखिए, यहां पर शब्द भले शेषफल है लेकिन सही पूछा जाए तो यह हमसे इकाई का ही मान पूछ रहा है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी संख्या को किसी से भाग दिया जाए, उसमें भी अगर किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए, जैसे आप 3 को 10 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर आपको 3 ही मिलेगा। ध्यान से सोचिएगा शेषफल क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 10 का पहाड़ा ही 3 में नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या में जब कोई पहाड़ा ही नहीं जाएगा तो एज इट इज शेषफल हो गया। अगर मैं 17 को 10 से भाग दूं तो रिमाइंडर आपको 7 मिलेगा। अगर मैंने 125 को 10 से भाग दिया तो रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा। अगर मैंने 1220 को 10 से या 223 को 1223 को अगर मैंने 10 से भाग दिया तो रिमाइंडर आपके पास 3 हो जाएगा। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर इकाई का अंक ही शेषफल होगा। इकाई का जो अंक होगा, अंक ही शेषफल होगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 10 से भाग देंगे तो इकाई का अंक ही शेषफल होगा। अर्थात अगर शेषफल कह रहा है तो सीधा सीधा वो हमसे इकाई के मान की ही बात कर रहा है। भले इसने लिखा है कि 10 से भाग देने पर इस मान को शेषफल क्या आएगा, तो आपको 10 से भाग देने की जरूरत नहीं है, यहां पर शेषफल को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इकाई के मान को यहां पर ज्ञात करने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब आपको जैसे मान लीजिए इस प्रश्न में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारे सामने 83 है, 85 है, 87 है, 89 है, 93 है और 97 है। आप 10 से भाग दे रहे हैं तो आपको पता है जो इकाई का मान होगा वही शेषफल होगा। तो आप इकाई के मान को ही क्यों ना ज्ञात करें, शेषफल की तरफ क्यों फोकस करें। आप 10 को भूल ही जाइए, सीधा सीधा इकाई के मान को ज्ञात करिए। 3 × 15 मतलब 5 हुआ, 5 × 7 = 35 मतलब 5 हुआ, 5 × 9 = 45 मतलब 5 हुआ, 5 × 15 मतलब 5 हुआ और 5 × 7 = 35 मतलब 5 हुआ। इकाई का मान आप देख पा रहे हैं क्या है, 5 है, सीधा सीधा 5 है। और इसका अर्थ हो गया कि अगर हम जब इसका कैलकुलेशन करते, अर्थात इस पूरे टर्म को जब मल्टीप्लाई करते तो जो वैल्यू आती उसके अंत में आपको 5 ही मिलता, अर्थात 5 ही इस प्रश्न का हल होगा, इकाई का अंक भी होगा और 10 से भाग देने पर शेषफल भी होगा। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैसे मैंने एक बात यह बताई, उसी तरह से एक बात और नोट कर लीजिएगा, जैसे आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में सब लोग, कि जैसे मैंने कहा कि अगर किसी संख्या को आप 10 से भाग देते हैं तो जो इकाई का अंक होता है वही शेषफल होता है, उसी प्रकार से अगर किसी संख्या को आप 100 से भाग देंगे, हमने यहां पर लिख दिया यदि किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए, 100 से भाग दिया जाए, 100 से भाग दिया जाए तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या शेषफल होगी। कभी कभी आपसे किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कोई एक गुणा दिया गया, उसके अंतिम के दो अंक क्या होंगे, मतलब उसके इकाई और दहाई से मिलकर बनी जो संख्या बनेगी वह क्या कहलाएगी। जैसे जनरली आप सोचिए ध्यान से, यहां पर मान लीजिए मैंने कहा कि 13 है, 13 को आप 100 से भाग देंगे रिमाइंडर 13 आएगा। मैंने कहा 55 है, 55 को आप 100 से भाग दीजिए रिमाइंडर 55 ही होगा, क्योंकि जब भी किसी छोटी संख्या को बड़ी से भाग देते हैं ना तो वह छोटी संख्या ही पूरी तरह से रिमाइंडर कहलाती है। 172 है, 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 72 ही कहलाएगा। इस तरह से ही मैंने इसी बात को एनालाइज करके यहां पर इस कंक्लूजन को आपके सामने प्रेजेंट किया है कि अगर आप किसी भी संख्या को 100 से भाग देंगे तो जो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या होगी वही उस प्रश्न का हल मतलब उसका रिमाइंडर कहलाएगी। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बात पर भी आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा। यह कंफर्म हो गया। अब आगे मैं बढ़ता हूं, कुछ और टर्म्स यहां पर इंक्लूड आपके सामने करता हूं। देखिए पावर का एक प्रश्न और मैंने रखा है। अब पावर का जो प्रश्न है इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें है 2985 की पावर आप देख रहे हैं 32 है कि पावर 42 है, फिर से 42 है। इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर जो एक्सपेंशन किया गया है इस पावर की बात किया जाए तो 32 की पावर 42 है,
पहले तो हम 32 को 42 बार गुणा करें, जो मान आए उसके बाद यहां पर उसको पावर बनाएं। लेकिन आपको जैसे रूल लिखाया गया था कि अगर किसी भी संख्या जिसका जो आधार है अगर वह शून्य है, एक है, पांच है, छह है, तो कोई भी घात लगी हो, कितनी भी बड़ी घात लगी हो, उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका जो इकाई का अंक होगा वह एज इट इज आपके पास बना रहेगा। जो कि पांच है तो भैया पांच ही बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहां पर पांच ही रहेगा। अगर यहां पर छह भी होता, यहां पर चार भी होता, यहां पर आपका एक भी होता, शून्य भी होता, तो भी एज इट इज बना रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इस बात को आप कंफर्म किए, आगे मैं बढ़ता हूं। और प्रश्न देखिएगा, एक देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न इस तरह का आपके सामने है। आप इस सबको हल करिए और आराम से इस प्रश्न का हल करने की कोशिश करिए। मेरे सामने देखिए अब की बार की स्थिति दूसरी है। जैसे कभी अगर मान लीजिए जो भी पिछला प्रश्न आपने देखा था वहां पर a की पावर m की पावर n था, मतलब पहले पावर को हल करना था। अभी आपके इस प्रश्न में a की पावर m की पावर n इस तरह से है, पावर n पावर p इस तरह से, अर्थात यहां पर इसी बेस के ऊपर सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सभी पावर का गुणा कर दिया जाएगा, m इंटू n इंटू p हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए जो प्रश्न आपको दिया गया उस प्रश्न में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कि पावर यहां पर 13 है, ऑलरेडी पावर 14 है, ऑलरेडी पावर 15 है, तो मैं सभी पावर्स को गुणा कर दूं, 14 गुणे 15 कर दूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, 14 गुणे 15 कर दिया। अब हमको पता है कि यहां पर अंत में 7 है, तो आपको रूल लिखवाया गया था 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। जब किसी संख्या के अंत में ये मान होते हैं तो उसकी जो घात होती है, घात को हम 4 से भाग देते थे, 4 से भाग दे करके हम शेषफल पता करते थे, रिमाइंडर निकालते थे, भागफल आता है और आपको पता है शेषफल आता है। जो रिमाइंडर आता था उसको इन्हीं के ऊपर अप्लाई करते थे, जो भी वैल्यूज यहाँ पे रहती थी। और आपको पता है कि अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। मैंने शून्य के लिए भी बताया था अगर वह कट ही रही है 4 से तो आपको पावर 4 कर देना होता है। मेरे ख्याल से बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अगर जैसे हमारे पास यह जो मान दिया गया है, इस मान को सबसे पहले हम नोटिस करें कि यह जो गुणा है इसी गुणे को ही 4 से भाग दिया जाएगा। इस गुणे को ही क्या करेंगे आप, 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देने पर पहली चीज तो कोई के दिमाग में आएगा, सर जब गुणा ही नहीं आपस में देंगे कैसे, शेषफल निकालना है हमको। इसका एक सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा। आपको 13 गुणे 14 गुणे 15 को 4 से भाग देना है। और एक बात आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अगर कभी इस तरह का प्रश्न बन जाए, जरूरी नहीं कि यहां पर आपके सामने 7 ही रहे, 2 ही रहे, 3 रहे, जो यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी होती है हम 4 से क्यों भाग देते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर को अच्छे से पढ़े तो आपने देखा था कि 2 की पावर है, 3 की पावर है, 7 की पावर है, 8 की पावर है, हर 4 के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती, इसलिए साइक्लिसिटी वहां 4 की बनती थी। जबकि मैंने 4 अगर बेस पे है, 9 बेस पर है, तो उसके लिए मैंने रूल आपको बताया था कि 4 के लिए जब घात सम होती है तो 6 आता है, 9 के लिए जब घात सम होती है तो 1 आता है, 4 और 9 के लिए अगर घातें विषम होती है तो 4 एज इट इज रह जाता है, 9 एज इट इज रह जाता है, ये आपको लिखवाया गया था। लेकिन एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, उनकी साइक्लिसिटी क्योंकि 2 की थी और 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 की थी, अर्थात वहां पे कोई परिवर्तन ही नहीं था। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली देखा जाए तो सभी की साइक्लिसिटी 4 की होती है, क्योंकि 1 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है। अगर वह 2 स्थान पर परिवर्तित होगा तो 4 स्थान पर तो पक्का परिवर्तित होगा, अगर वह 1 स्थान पर परिवर्तित होगा तो वह 4 स्थान पर भी परिवर्तित होगा। इसलिए जो यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, मतलब हम 4 से किसी को भी भाग देकर चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 3 7 8 ही हो, किसी को भी 4 से, मतलब उसके हम घात को 4 से भाग देकर शेष पर ला करके उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने 4 से भाग, अच्छा कंफ्यूजन यहां सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि 4 से भाग दिया जा रहा है, सर 4 से भाग दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं और शेषफल कैसे आ रहा है, इसको जानने की जरूरत है। तो आप सीधा सीधा आप प्रत्येक अंकों को 4 से भाग दीजिए, जरूरी नहीं कि आप पूरे गुणा को 4 से भाग दीजिए। 4 से इसको जब भाग दिया, देखिए काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए, 4 3 12 रिमाइंडर 1 आया, 4 2 4 3 12 रिमाइंडर 2 आया, और 4 3 12 रिमाइंडर 3 आया। ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और प्रत्येक के बीच गुणा लगा है, 3 2 6 हो जाएगा। अब 6 को हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब आप समझिए, आप इस पूरे गुणा को जब 4 से भाग देते तो रिमाइंडर यहां पर इस स्थिति में कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कैसे, आप ध्यान से देखिए, 13 को भाग देने पर 1 आया, 14 को भाग देने पर 2 आया, और 15 को भाग देने पर 3 आया, 2 गुणे 3 गुणे 1 करिए 6 आएगा, 6 को 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 आएगा। तो बस 7 की पावर 2 लगा दें, 7 की पावर 2 लगा दें, 49 होता है, अर्थात इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इकाई का अंक इस प्रश्न का कितना हो गया, 9 हो गया, यही आंसर हो गया। बहुत इजी है, मैंने इतना कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर सोचा होगा आपने तो सीधा सीधा यही नंबर को हम 4 से भाग देते, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3,
आप 2 × 3 × 6/4 करते रिमाइंडर 2, रिमाइंडर जब 2 होता तो 7 की पावर 2 लगाते 49, मतलब अंत में 9 आ रहा था, इस प्रश्न का हल हो जाता। आराम से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे परीक्षा में तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल भी। अब देखिए बात एक नए टर्म की है जिसको आप फैक्टोरियल कहते हैं, थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जानकारी रख लीजिए, फिर प्रश्न पर ही सीधा आता हूं मैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जिसको आप हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, क्रम गुणित, क्रम गुणित का अर्थ होता है जब क्रम से गुणा किया जाए किसी संख्या के प्रत्येक अंकों को, तो दैट इज कॉल्ड द फैक्टोरियल अर्थात क्रम गुणित। यह कॉन्सेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड होता है, गणनाओं पर बेस्ड होता है। जब किसी मान को हम लोग इस बात के लिए जज करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी से ऑप्शंस होते हैं उनकी मदद से कितना ऑप्शन डेवलप किया जा सकता है, वह क्रम गुणित का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि किसी एक सेमिनार हॉल में 10 कुर्सियां रखी गई हैं, मैं पहले जाऊंगा तो मेरे पास 10 ऑप्शन होगा बैठने को, दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसके पास 9 ऑप्शन होगा बैठने को, तीसरा जाएगा तो 8 होगा, चौथा जाएगा 7 होगा, अंतिम जाएगा तो 1 ऑप्शन उसके पास रहेगा। यह क्रम गुणित के ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप एक शहर से दूसरे शहर के बीच अगर चल रही बसों की बात कीजिए, मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर के बीच 4 बसें चल रही हैं, मैं इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा हूं तो मान लीजिए 4 बसें सुबह से शाम तक चलती हैं, मेरे पास जाने के 4 चांसेस हैं। जब मैं लौटने लगा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जिस बस से गया था उस बस से नहीं आऊंगा, तो लौटते समय मेरे पास चांसेस कितने हो गए, 3, तो 4 × 3 मेरे पास आने जाने के तरीके हो गए 12। अगर इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे फैक्टोरियल अर्थात क्रम गुणित पर बेस्ड होते हैं। इसका जो बेसिक फंडा है कि अगर हमारे पास कोई एक संख्या n है उसको फैक्टोरियल के रूप में हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंशन होता है, इसका जो प्रोसेसर क्या कह सकते हैं, प्रोसेसिंग होती है ना, उस प्रोसेसिंग को हम लिख सकते हैं n × n−1 × n−2 × n−3, और यह टर्म तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। इसका एग्जांपल एक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको भैया 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल आप लिखोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे लिख दोगे। 10 का फैक्टोरियल है तो 10 × 9 × 8 × 7 × 100, बढ़ते समय 4 × 3 × 2 × 1, अंतिम में 1 पर पहुंचना है, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। कुछ बातें दिमाग में रख लीजिए, 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी हमेशा 0 होता है। नेगेटिव में फैक्टोरियल की काउंटिंग नहीं होती है, 0 के फैक्टोरियल पर चीजें रुक जाती हैं, समझ रहे इस बात को। अब इसी पैटर्न को अगर हम लोग अप्लाई करें तो आपके सामने एक प्रश्न सीधा आया है, 1 का फैक्टोरियल + 2 का फैक्टोरियल + 3 का फैक्टोरियल + 100, बढ़ते चले गए और हम पहुंच गए 100 के फैक्टोरियल पर। हमसे पूछा गया इसके इकाई का मान क्या होगा, इसके इकाई का मान क्या होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि इतने फैक्टोरियल्स को हम जोड़ें कैसे, जैसे आपका 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 होगा, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 होगा, 4 का फैक्टोरियल मैं लिख देता हूं यहां पर, आप समझिए। मतलब एक तरह से इन सभी मानों को जोड़ा गया है और जोड़कर जो अंत में आया है वही उसका इकाई का अंक नोटिस किया गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक बात जैसे माइंड में सेट करे रहिए कि अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई उनके जोड़ दिए गए, जैसे मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 1000 है, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या मेरे पास 100 है, एक संख्या मेरे पास 10 है, एक संख्या मेरे पास 1 है, सोचिए इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो जो इकाई है वो सब के साथ पहले जुड़ेगा और वही इकाई का अंक कहलाएगा। ये बात को दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ के इकाई का मान अगर इन सभी को जोड़ा जाता है आपस में तो इकाई का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि हम सबसे जो अंतिम अंक होगा उसको भी पहले फोकस करते हैं जोड़ने के दौरान, लेकिन उसके भी पहले हम फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 1 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 2 × 1 होगा, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 होगा, 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 होगा, 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा, 6 का फैक्टोरियल इसी तरह से बढ़ता रहेगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। मेरी बात को अब यहां पर थोड़ा नोटिस करिए, अब हमने देखा 1 का फैक्टोरियल चलो ठीक था, 2 का ठीक था 3 का ठीक था 4 का ठीक था, जब मैंने 5 के फैक्टोरियल से शुरुआत की तो आप देख रहे हैं 5 के फैक्टोरियल में 5 × 2 है, 5 × 2 है जो कि गुणा होकर 10 होता है, गुणा होकर 10 होता है, अंत में 0 आता है, और 0 जब किसी से भी गुणा करेगा तो इसके अंत में हमेशा 0 ही आएगा, इसके अंत में 0 आएगा। एक बात अपनी कॉपी में लिख लीजिए ऐसे कि जब कभी भी कोई गुणा किया जाए, किसी भी गुणे की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी गुणे में यदि 5 और 1 सम संख्या
संख्या, सम संख्या मतलब शून्य, दो, चार, छह या आठ का यूज किया गया है, को देखा जा रहा है, को देखा जा रहा है, जा रहा है, तो अंत में शून्य अवश्य आएगा, अंत में शून्य अवश्य आएगा, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, शून्य जरूर आएगा। या ऐसे समझिएगा, जो मैं आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा शून्यों की संख्या, वहां पर मैं पहले मेंशन करूंगा किसी गुणनफल के अंत में शून्य क्यों आएगा। जब हम किसी भी संख्या के गुणनखंड में पांच और दो का एक पेयर पाएं, मतलब पांच गुणे दो पाएं, तभी मान लीजिएगा संख्या के अंत में शून्य आएगा। मैंने इवन क्यों लिख दिया, क्योंकि हर इवन में दो एज ए मल्टीपल काम कर रहा है, चाहे वो दो हो, चाहे चार हो, चाहे छह हो, चाहे आठ हो। क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन में आप इस बात को ना लिख पाए, समझ पाए कि अगर कहीं गुणा आठ से हुआ तो आपको लगा सर आठ बोला गया है, आपने तो दो बोला है, हम आठ यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पांच या किसी भी सम संख्या का गुणा अगर आप टर्म के रूप में, नंबर्स के रूप में आप उस गुणनखंड में देख रहे हैं, तो उसके अंत में शून्य अवश्य और अवश्य आएगा। इसका मतलब पांच फैक्टोरियल में आपने देखा कि पांच गुणे दो था, तो छह में भी तो पांच गुणे दो है, सात में भी तो पांच गुणे दो होगा, आठ में भी तो पांच गुणे दो होगा, सौ में भी तो होगा। मतलब कहने का सेंस हो गया, एक फिर नोट आपकी कॉपी के लिए बनता है कि पांच या पांच से प्रारंभ होकर के, पांच या पांच से प्रारंभ होकर के किसी भी संख्या के क्रम गुणित का मान अर्थात फैक्टोरियल का मान अंत में शून्य जरूर प्रदान करेगा। तो यहां पर इस नोट को ही जानना जरूरी है, और आप सभी लोग इसको लिखने के बाद, एक नोट मैं फिर लिखता हूं, आप सभी लोग प्लीज इसको जरूर उतारिएगा। मैं लिख रहा हूं बड़े अच्छे शब्दों में, साफ साफ, हालांकि उतना साफ आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, देख रहे होंगे ना, साफ लिख रहा हूं मैं, राइटिंग बहुत खराब नहीं है। मैंने लिखा पांच या पांच से प्रारंभ होकर, पांच या पांच से प्रारंभ होकर होकर किसी भी, पांच या पांच से प्रारंभ होकर किसी भी संख्या संख्या के क्रम गुणित का, क्रम गुणित के अंत में, क्रम गुणित के अंत में शून्य अवश्य आएगा, शून्य अवश्य आएगा। ध्यान से लिखिएगा, मैंने लिखा पांच या पांच से प्रारंभ होकर किसी भी संख्या के अंत में, पांच या पांच से प्रारंभ होकर, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग में भी लिखना है, कॉपी में भी लिखना है, कॉपी में चलो हम लोग लिख लेते हैं लेकिन दिमाग में नहीं लिख पाते हैं। पांच या पांच से प्रारंभ होकर किसी भी संख्या के, मतलब उससे बड़ी किसी भी संख्या के अंत में, मतलब संख्या के फैक्टोरियल के अंत में शून्य अवश्य आएगा। इसको अपनी कॉपी में, अपने जहन में उतार लीजिए। मतलब अब हम बात यहां से कर रहे हैं कि अगर यहाँ चार का फैक्टोरियल भी है, इसके बाद पांच का भी फैक्टोरियल है, फिर आगे बढ़ते गए सौ फैक्टोरियल तक के सभी मानों के अंत में शून्य जरूर आएगा। सबके अंत में जब शून्य आएगा तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, उनका तो काम ही खत्म हो गया। अब उसी प्रश्न को ही यहाँ पर लिखा गया है, इसी प्रश्न को ही देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया था देखिए ध्यान से, एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल प्लस सो ऑन बढ़ते चले गए, अर्थात हम पहुंच गए हैं सौ फैक्टोरियल पर। इसका मतलब है पांच फैक्टोरियल से प्रारंभ होकर सभी की अंत में शून्य अवश्य आएगा। जब शून्य आएगा तो बचे नंबर्स को ही हमें कंसीडर करने की अब जरूरत है। जैसे चार फैक्टोरियल, अर्थात आप जानते हैं कि इसका मतलब चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, मतलब चौबीस होगा। तीन फैक्टोरियल, अर्थात आप जानते हैं तीन गुणे दो अर्थात छह होगा। दो फैक्टोरियल जानते हैं दो ही होगा, और एक फैक्टोरियल एक ही होगा। अब आप इन्हीं को जोड़ दीजिए, क्योंकि अंतिम में बाकी के शून्य है, जैसे मैंने एक हजार वाला भी दिखाया था, उसी तरह से जो अब अंत में है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें भी छह और चार देखिए जुड़कर दस हो रहा है, मतलब यहां तो शून्य ही हो रहा है, इसको गायब कर दीजिए, बचा दो और एक जो कि होगा तीन। तो इस प्रश्न के हल का मान हो गया तीन। इस पूरे प्रश्न, इस पूरे समीकरण के अंत में आपको तीन प्राप्त होगा, मतलब इसका इकाई का मान तीन होगा। यही आपके इस प्रश्न का हल है, यही उत्तर है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एक फैक्टोरियल से लेकर अगर चाहे जितने नंबर्स तक के फैक्टोरियल की बात की गई है और उनके जोड़ की बात की गई है, तो उनके अंत में शून्य आने की स्थिति पहले पांच से शुरू होगी। पांच के बाद अगर संख्याएं पांच से प्रारंभ होकर लिखी गई है, सबके अंत में शून्य आएगी, तो आपको बस एक से लेकर चार फैक्टोरियल तक ही नोटिस करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं जिससे कि और स्पष्ट हो जाए। देखिए ये देखिए फैक्टोरियल के और भी प्रश्न अच्छे बनते हैं। अब जैसे देखिए ये नंबर है, लिखा है 27 की पावर 14 का फैक्टोरियल। बढ़िया प्रश्न है, आप इसको देखिए ध्यान से। कुछ लोग इसको देखने के बाद कहेंगे सर ये जो 14 का फैक्टोरियल है अंत में देखिए सात है, तो सात को देखते ही दिमाग में आएगा 14 को चार से भाग दे दे, रिमाइंडर दो आया, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं।
ये 14 का फैक्टोरियल थोड़ी है, सॉरी 14 थोड़ी है, ये 14 का फैक्टोरियल है। मतलब ये क्या है पता है, 14 गुड़े 13 गुड़े 12 गुड़े 11 गुड़े सौन बढ़ते बढ़ते 3 गुड़े 2 गुड़े 1 है, इतना बड़ा नंबर है। सोचिए तो आपको 14 के फैक्टोरियल को नहीं भाग देना है, इसको 4 से भाग देना है। और आप इतनी बात समझ लीजिए, आप जब जानते हैं 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 गुड़े 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुड़े 2 गुड़े 1 होता है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 होता है। मतलब जो 4 का फैक्टोरियल है, जिसके गुणनखंड में 4 का उपयोग है कि नहीं है, मतलब अगर आप इस मान को जब 4 से भाग देंगे, जब गुणनखंड में 4 लिखा ही है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि यह संख्या 4 से कट जाएगी। और यही नहीं कटेगी, इसके बाद की जितनी संख्याएं होंगी, 5 का फैक्टोरियल 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 है, देखिए इसमें भी 4 से शुरू हो रहा है, 4 है जो गुणनखंड मिल रहा है, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो फिर एक नोट आपको लिखने के लिए मैं लिख देता हूं कि 4 से 4 या 4 से बड़ी 4 या 4 से बड़ी किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के क्रमगुणित का मान, क्रमगुणित का मान 4 से अवश्य विभाजित होगा, अवश्य विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अर्थात अर्थात 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल शून्य होगा, 4 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य होगा। अब आप सोचो, जब 4 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य होगा, तो मैंने आपको बताया था अगर आपने इसको 4 से विभाजित किया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैंने कहा था भैया 0 के लिए आप किसका उपयोग करना है, 4 का। तो इतना कुछ दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब भी प्रश्न को देखिए, तुरंत आप क्या करिए, जब भी यह मान 4 हो या 4 से बड़ा हो, तुरंत मान लीजिए जो यहां पर वैल्यू हो उसकी पावर 4 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना आप, देखो अगर ये 14 है, 24 हो, 4000 हो, 4 लाख हो, 1325 हो, 1332 हो, कुछ भी हो, आप इस नंबर को जैसे ही देखेंगे 4 से बड़ी है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसको छोड़ दीजिए, यहां अंतिम नंबर पे देखिए इसकी पावर 4 लगाएं, बस हो गया आंसर। अंतिम नंबर 7 है, 7 की पावर 4 लगाया, तो 7 × 7 = 49, फिर 7 × 7 = 49, 9 × 9 = 81, अर्थात अंत में क्या आया, 1 आया, क्योंकि आप जानते हैं ना, देखिए यही तो होगा, 7 × 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 9, 9 × 9 = 81, अर्थात 1। इकाई का मान क्या हो गया, 1। इस प्रश्न का हल 1 हो गया। तो मेरे ख्याल से जो लोग समझ पा रहे होंगे कर लेंगे। अब ऐसा कोई भी एग्जांपल अगर आपको मैं दे दूं, तो आप तुरंत इस पर बिना किसी कंफ्यूजन के आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा 2832 की पावर 123 का फैक्टोरियल। तो आपको सोचना है क्या, आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि यह संख्या 4 से बड़ी है, ग्रेटर देन 4 है, तुरंत हम लाएंगे 2 की पावर 4 लगाएंगे, जो कि अंत में 16 अर्थात 6 दे देगा। यही इस प्रश्न का हल होगा, ठीक। कुछ भी आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद के प्रश्न, देखिए एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने स्तरीय है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा। अगर संख्या 4 है जो पावर के रूप में, उसके फैक्टोरियल की जिसकी बात कर रहे हैं, 4 है या 4 से बड़ी है, तो 4 से जब कटेगी वह, तो 100% एक इवन नंबर होगी, क्या होगी, सम संख्या। तो सम संख्या होगी, तो आप यहीं पर देखिए, जैसे यहां पर यह 143 का फैक्टोरियल है, तो 4 से तो कटेगी क्योंकि 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी संख्या है और 4 से कट जाएगी अर्थात शेषफल शून्य देगी, तो 100% मानकर चलिए यह एक सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। तो अब हम इसको 4 से भाग देकर ना सोचें, ये मानकर चलें कि जो वैल्यू है वह एक सम संख्या है, और 9 के लिए आपको सम संख्या क्या बताया गया है, सम संख्या पर आपको बताया गया 1 आता है, मैंने ये लिखवाया आप लोगों को। अगर आधार के अंत में 9 है, घात एक सम संख्या है, और सम संख्या क्यों है बताइए, क्योंकि यह 4 से कट जाएगी, 4 से बड़ी है, तो 4 से कटने वाली सभी संख्याएं सम होती है, दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि जब 4 से कट रही है तो 2 से तो कटेंगी कटेंगी, तो 100% सम संख्या होगी, और 9 के लिए जब घात आपकी सम संख्या हो तो मान 1 आता है। इधर आ जाइए, यहां पर 8 है, 8 के लिए नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि 113 फैक्टोरियल है, 4 से बड़ा है, तुरंत हम 8 की पावर 4 कर देंगे, 8 की पावर कितना करेंगे 4, 8 की पावर 4 मतलब आप समझ गए होंगे 8 × 8 × 8 × 8, आप समझ रहे हैं 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 4 × 4 = 16, यहां पर 6 है, 1 × 6 कर दीजिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधा सीधा उत्तर आप लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर से ध्यान से सोचिए, किसी भी संख्या की बात हम जो कर रहे हैं, अगर वह 4 है या 4 से बड़ी है, तो ये तो पक्का है कि 4 से कटेगी, शेषफल शून्य देगी। तो जब 4 की भाज्यता चेक करनी हो, तो शेषफल शून्य का उपयोग करिए,
और आधार में अगर 9 लिखा हो या 4 लिखा हो तो हम सम विषम वाले रूल को फॉलो करना शुरू कर देंगे। जब 9 लिखा है और घात एक सम संख्या है तो आपको बताया था एक आएगा, तो वहां पर एक लिख दीजिए। यहां पर यह 2 3 7 8 वाले नियम को फॉलो कर रहा है, तो यहां पर यह मान 4 से कट ही रहा है और शेषफल 0 दे रहा है, और शेषफल जब 0 होता है तो हम 4 लिखते हैं पावर में, तो 8 की पावर 4 अंत में आपको 6 देगा। इस प्रश्न का हल आपके सामने कितना हो जाएगा, यहां पर 1 × 6 कर देने से मान आपका 6 आएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, एक और देखिए इसी तरह का प्रश्न है, आप सभी लोग इस पर रिस्पॉन्स करिए। 1 है 9 है 7 है 3 है 243 है का फैक्टोरियल है, गुड़े हमारे सामने 2 है 4 है 8 है 4 है, 183 का फैक्टोरियल है, 183 का फैक्टोरियल है। चलिए बातें करते हैं, कुछ बातें तो आपको स्पष्ट ऑलरेडी है कि 243 का फैक्टोरियल है, तो जाहिर सी बात है वह संख्या क्या है, 4 से बड़ी है, और 4 से बड़ी है तो 4 से कटकर शेषफल 0 देगी। यहां पर 3 है तो जाहिर सी बात हम 3 की पावर 4 कर देंगे जो कि 81 होता है, अर्थात अंत में 1 देगा आपको, ठीक है। यहां पर 4 है और आपको पता है यह सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, 4 के लिए क्या नियम लिखवाया गया है कि 4 के लिए 6 हो जाता है, 1 × 6 कर दीजिए तो मान यहां पर अंत में क्या दे देगा आपको, 6 दे देगा। तो इस प्रश्न का हल भी आपके सामने 6 ही हो जाएगा, यह क्लियर हो गया होगा। एक अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का मैं और कंप्लीट करने जा रहा हूं, और स्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें और एक्सपेंडेड फॉर्म में दिख रही है। जैसे क्या दिख रहा है आप देखिए, सबसे पहली चीज हमारे सामने 1 का फैक्टोरियल की पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल की पावर 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल की पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल की पावर 4 का फैक्टोरियल प्लस 100 ऐसे बढ़ते चले गए और हमारे पास 100 का फैक्टोरियल की पावर 100 का फैक्टोरियल। चलिए समझते हैं हम लोग यहां पर। अब आप जैसे अभी तक जो एक प्रश्न हमने इससे पहले देखा था उसमें पावर नहीं लगा था, डायरेक्ट नंबर्स थे, लेकिन हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको यहां से भी कई सारी बातें छोटे छोटे स्तर पे आपको स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास संख्या 5 के फैक्टोरियल से मैं प्रारंभ करूंगा, उसकी पावर फैक्टोरियल लगा है 5, आपको पता था मैंने पढ़ाया भी था कि 5 फैक्टोरियल से शुरू होकर किसी भी बड़ी संख्या की बात किया जाए तो उनके अंत में 0 आता है, और आपको यह भी रूल लिखवाया गया है कि 0 आने पर चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो घात में, अंत में 0 ही आएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसका काम खत्म, इतनी बात समझते जाइएगा। मैंने जो बताया, हमने कहा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, 5 से बड़ी संख्या या 5 या 5 से बड़ी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल के अंत में 0 आएगा, और जब किसी भी आधार में 0 आपको दिख जाए तो घात के लिए टेंशन नहीं रहती है, घात चाहे जो लिख दे हो, ठीक है, घात चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दे, अंत में 0 ही आना है। तो 5 फैक्टोरियल से प्रारंभ होकर 100 फैक्टोरियल तक की सभी संख्याओं के अंत में 0 आएगा। अब शुरुआत यहां से करते हैं, ये देखिए 4 है, ध्यान से देखते जाइए, अब सब क्लियर होगा। यह 4 नहीं है, 4 का फैक्टोरियल है, 4 का क्या है, फैक्टोरियल है, और 4 के फैक्टोरियल की बात कीजिए तो आपको पता है 24 होता है, अंत में 4 ही है, और पावर कितनी है, 4 फैक्टोरियल है, तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल क्या होगी, एक सम संख्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो सम संख्या होगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, अंत में 6 होगा 100%, क्योंकि आपको पता है कि 24 की पावर अब 4 का फैक्टोरियल है, तो 24 की पावर अर्थात अंत में 4 है, और 4 फैक्टोरियल एक सम संख्या होगी, तो 4 के लिए आपका 6 आएगा। आ जाते हैं 3 में, देखिए यह 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 6 होता है, और यह भी क्या है, 6 ही देगा अंत में, इसके अंत में देखिए 3 × 2 क्या होता है, 6, तो 6 की पावर 6 है। आप ही खुद सोचो कि 6 की पावर, चाहे आपको ना इतना कैलकुलेशन करना है, 3 फैक्टोरियल लिखो, हालांकि हमने कर ही लिया तो टेंशन क्या है, 6 है। आपको यह भी लिखवाया गया है कि 0 1 5 6 के लिए कोई भी घात लगी हो तो मान में क्या रहता है, 6 ही रहता है, यहां पर भी 6 हो गया, बीच में प्लस लगाते चलिएगा। यहां पर भी है 2 है और 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 तो सीधा सीधा 4 होता है, तो 2 की पावर 2 आपके पास यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कैलकुलेट होकर के भी 4 ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब बाकी जितना बचा उसको सेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 6 4 10 शून्य हुआ, 6 1 7, तो इकाई का मान क्या हो गया बताएं, 7 हो गया, इकाई का मान यहां पर इस प्रश्न के लिए 7 हो गया। ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा इसके बारे में, पूरी थ्योरी पूरी कहानी एक बार मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि अगर 1 का फैक्टोरियल की पावर 1 का फैक्टोरियल ऐसे ही 100 का फैक्टोरियल पावर 100 का फैक्टोरियल दिया है, तो 5 फैक्टोरियल से शुरू होकर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आएगा तो घात चाहे जो लगा रहे उससे कोई टेंशन नहीं, उसके अंत में 0 आना ही निश्चित था। अब हमको केवल इतने पर ही फोकस करना था, जिसमें 1 का फैक्टोरियल आप जानते हैं उसकी पावर 1 का फैक्टोरियल देखी होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 अर्थात 2 होता है, और ऊपर भी 2 है तो 2 × 2 = 4 होगा, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6 होता है,
तो अब ऊपर घात को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है अगर अंत में छह है तो घात चाहे जो रहेगा छह ही आएगा। यहां पर देखिए ध्यान से, यह चार का फैक्टोरियल है जो कि अंत में छह रख रहा है, चार रख रहा है। चार के लिए घात को हम सम विषम के तौर पे देखते हैं। अभी मैंने आपसे इससे पहले बताया कि अगर चार या चार से बड़ी संख्या है तो चार से कटेगी, वह एक संख्या सम संख्या भी होगी, और अगर सम संख्या होगी तो चार के लिए छह आता है। अब सबके बीच में प्लस लगा है तो प्लस जब मैंने जोड़ा, चाहे ऐसे डायरेक्ट पूरा जोड़ दीजिए, चाहे छह चार दस शून्य देखा और एक छह सात देखा, या प्रॉपर जोड़ देते छह छह बारह चार बीस एक इक्कीस, सॉरी छह छह बारह, बारह चार सोलह, एक सत्रह, अंत में कितना हो जाता, सात हो जाता और इकाई का मान आपको सात नजर आया। इस तरह से सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया, ये सारे प्रश्न आपके कवर हो गए। अब आप सभी को मैं एक छोटी सूचना और दे देता हूं। छोटी सूचना अर्थात संस्थान की जो भी एक्टिविटीज हैं उनसे संबंधित जो टेलीकॉलिंग नंबर्स हैं आपको, जिस पर आप फोन करके संस्थान में संपर्क करते हैं, आप जो भी सूचनाएं लेना चाहते हो सूचनाएं आपको मिलती हैं, जो भी जानकारी आपको चाहते हैं जानकारियां मिलती हैं, और जिस प्रकार से आप बैचेस में जुड़े होते हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में काम कर रहे होते हैं उनसे कुछ कॉलिंग नंबर्स आपको दिए गए होते हैं। इन नंबर्स पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फोन करके आप अपनी किसी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया फैक्टोरियल से बेस, सिक्वेंस पर बेस, इकाई के जो भी प्रश्न मैंने लिए, संभवतः आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को आपके पूरे परिवार के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ, मैं अपनी तरफ से, टारगेट भी था लोग परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आपको देता हूं। आप सभी का यह जीवन सुखमय रहे, यह होली का पर्व आपके लिए ढेर सारे रंग, ढेर सारे उल्लास लेकर आए। यही अवसर नहीं, यही पर्व नहीं, जीवन में आने वाले सभी पर्व आपके लिए बड़े सुखदायी हों और बहुत ही आपको एनर्जी दें, बहुत ही आपके सपनों को सच करने वाले हों, ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं आज आप सभी को फिर से एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम तौर पर देता हूं। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।